नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देने वाले उद्गम पोर्टल से 30 बैंक जुड़ चुके हैं। इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने और दावा करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने 17 अगस्त को उद्गम पोर्टल शुरू किया था। इसका मकसद लोगों को एक ही जगह कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि खोजने की सुविधा देना है। शुरू में ये सुविधा 7 बैंकों के साथ शुरू की गई थी। उस समय आरबीआई ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक इसमें और भी बैंकों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से जानकारी दी गई कि 28 सितंबर 2023 को पोर्टल पर 30 बैंकों से जुड़ी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में बिना दावे वाली जमा राशि के लगभग 90% को कवर करता है। 30 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर के सभी प्रमुख बैंक शामिल हैं। इसके अलावा सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC जैसे विदेशी बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे लोगों को बिना दावे वाली राशि और खातों के बारे में जानकारी मिल सके और जमा राशि का दावा कर सके या अपने जमा खातों को संबंधित बैंकों में चालू कर सके। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने फरवरी 2023 तक बिना दावे वाली लगभग 35,000 करोड़ रुपए की जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर की थी। ये ऐसे खाते थे जिसमें पिछले 10 साल या इससे ज्यादा समय से कोई लेन देन ही नहीं हुआ था। एसबीआई में सबसे ज्यादा 8,086 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपए की राशि है। नियमानुसार किसी बैंक में जमा राशि पर 10 साल तक कोई दावा नहीं आने पर उसे रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।